कल रेजा की इंफॉर्मेशन काम आ गई। 2 साल से चल रहा हमारा ये मिशन फाइनली पूरा हुआ। कल मलेशिया में विक्की चड्ढा पकड़ा गया। शिकार जाल में है तो शिकारी को ऑफिस क्यों बुलाया गया? क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है। कौन सा वाला? लोग कहते हैं तीनों। और ये वो है जो अभी पकड़ा गया। विक्की चड्ढा अपना चेहरा बदलता रहता है, और अभी जो उसका चेहरा है वो भी उसका असली चेहरा है या नहीं हमें पता नहीं। एंड दैट मेक्स हिम मोर डेंजरस। वो इंडिया के कई लोगों का बहुत सारा पैसा हैंडल करता है। ऐसे लोग जो काफी पावरफुल हैं, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एंड द वर्स्ट थिंग इज हमें नहीं पता है कि वो कौन है। विक्की चड्ढा इस नेटवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। पूरा का पूरा नेटवर्क वही कंट्रोल करता है। सर, पर कहानी में ट्विस्ट क्या है? आपने बताया नहीं। अभी तक उसके अरेस्ट की बात सिर्फ हमारे स्पेशल सेल को पता है। And it's a ticking time bomb. इसके लिए सबसे पहले दिल्ली के सारे पावर ब्रोकर्स के फोन टैप करने होंगे। उसके बाद विक्की चड्ढा के अरेस्ट होने की खबर को मीडिया में उछालना होगा। न्यूज बड़ी बनेगी तो वो लोग रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, और उनकी ये गलती भी हमारे लिए बहुत है। उधर कुआलालंपुर में तड़के मलेशियन पुलिस ने विक्की चड्ढा को उनकी पत्नी मारिया के साथ गिरफ्तार किया। ब्लैक मनी वापस लाने की सरकारी कोशिशों में एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार विक्की चड्ढा पर आकर रुक जाएगी, या उन लोगों को पकड़ेगी जिनका हाथ विक्की चड्ढा के सर पर है। सूत्रों का कहना है कि देश से लूटा हुआ अंदाजन 1,00,000 करोड़ देश के बाहर के बैंकों में विक्की चड्ढा घुमा रहा है। लोगों का गुस्सा हम समझ सकते हैं। विक्की चड्ढा को हम जल्द ही वापस ले आएंगे, और उसके साथ जिन जिन लोगों की साथ गांठ है उन्हें भी पकड़ा जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब हर भारतीय नागरिक से लूटा हुआ पैसा उसके अकाउंट में दोबारा जमा किया जाएगा। ये हमारा वादा है। क्या हो गया रणवाल जी? क्या भाई दशांक, ये क्या डबल ढोलकी बजा रहे हो तुम? माँ बेटे, सुना है तुम्हारी मम्मी हमारा पैसा लोगों के अकाउंट में जमा करने जा रही है? रणवाल जी, आपको तो पता है सब बोलना पड़ता है, वो होम मिनिस्टर हैं। कामत और मेरे भरोसे पे सबने ये काम किए हैं। रणवाल जी, सिर्फ आपका या आपके लोगों का पैसा नहीं है उसके पास, मेरा भी तो है। कुछ नहीं होगा, मॉम जानती है अगर मैं फंसूंगा तो गवर्नमेंट गिर सकती है। आप रिलैक्स करो मॉम। मॉम, अगर विक्की चड्ढा सेफली यहाँ पर आ जाएगा, सबको एक्सपोज कर दिया, तो या तो मुझे खुद को गोली मारनी पड़ेगी या ये लोग मुझे मार देंगे। मॉम, जो इतने सालों से ऑपोजिशन नहीं कर पाया तुमने कर दिया, हरा दिया मुझे। मॉम, नो मॉम, लीव। बट मॉम, जस्ट लीव द शॉक।